को बोलते हैं, ब्रह्मांड मतलब पूरी कायनात, पूरी कायनात पूरा ब्रह्मांड मेरा मित्र है, ठीक है। इसी तरह से हम, अब मैं अपने मन का 100% इस्तेमाल करता हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कुछ सजेशन देता है, मेरे सुझाव हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरी विजुलाइजेशन वेरी पावरफुल होती है, मेरी प्रार्थना पूरी एकाग्रचित होकर होती है, लास्ट में दैट वाज सुपर्ब। क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेकी आपको आत्म जागृति की तरफ ना ले जाए तो वो रेकी किसी काम की नहीं। ऊर्जा फाइनली आपके आत्मा का कल्याण तो करना ही चाहिए, राइट ठीक सर, है। हाँ जी, थैंक अब यू बोलिए। वेरी मच सर। विद मी सर, जैसे हाँ सर जी, आपने बोला ना कि मैंने आपके सर दोनों मैं हाथों बोलूँ? को पकड़ा हुआ है, हाँ जी, आपने मेरा दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है, मुझे क्लियर फीलिंग आई कि आपने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है। फिर एक जगह आपने बोला सारे देवी देवता आपके पास खड़े हैं, एक क्लियर फीलिंग आई कि देवी देवता खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। सर कुछ कहने लायक नहीं है, हम जितना आपने करवाया हमको, हम कुछ कहने लायक नहीं है। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। अभी शब्द कहाँ से शुरू करें समझ ही नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जब आपने जो बोला उस टाइम उसके 5 मिनट बाद ही हाथ बहुत ज्यादा भारी हो गए और पूरे फैल गए हाथ। जब आपने बोला फैलाओ, और पहले हाथ फैल चुके थे और हाथों में बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही थी और अपने आप हाथ मूवमेंट करना शुरू हो गए, ऊपर से ब्लेसिंग लेना और पूरा जो आपने बाद में बोला कि ब्लेसिंग लो, उससे पहले ही वो ब्लेसिंग लेना शुरू हो गए थे। पूरी बॉडी बहुत जोर जोर से मूवी, आपने देखा ही होगा सब कुछ, अभी आपको क्या बताना। और ब्लिंक 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 जैसा लास्ट में दिख रहा था और बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत एनर्जी फील हुआ, बॉडी इतनी हल्की हो गई ऐसा लगा कुछ है ही नहीं। और बार बार आपको नमन हो रहा था, बार बार मेरे हाथों से आपको नमन हो रहा था, तो मेरी समझ आ रही थी कि अंतरात्मा सिर्फ आपको धन्यवाद कर रही है। देवी देवता का तो धन्यवाद है, सबसे बड़ा धन्यवाद आपके लिए सर। थैंक यू सो हाँ मच। जी, हाँ जी सर मैं एक ही बात जी कहना चाहता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हर बार होते हैं और इस तरह के होते हैं कि बयान करना मुश्किल होता है उनको, पर आपके धन्यवाद करने के लिए भी जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे वो बहुत कम है। थैंक यू सो 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 वेरी मच। अनुभव हर बार एक से एक बढ़ के होते हैं, गुरुदेव की बहुत कृपा होती है, आपकी बहुत कृपा होती है, उन सबका धन्यवाद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ कहूंगा वो पर्याप्त नहीं होगा। थैंक हाँ जी, यू, रही बात, धन्यवाद। हाँ जी, संजीव जी, संजीव जी आवाज। हाँ संजीव जी, अनुभव तो क्या कहे, भाषा असमर्थ है कहने के लिए। जैसे कि मेरे बाकी मित्रों ने भी कहा, शायद भाषा कह नहीं पा रही इसलिए अश्रु बह रहे सबके आंखों से, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि भाषा पूरी तरह से असमर्थ है यहाँ पर। और पता नहीं, मैं हमेशा सोचती पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे लास्ट जन्म में कि आप आ गए जीवन में और सदगुरुदेव आ गए, मेरे मास्टर ओशो आ गए, पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे। सच्ची में भगवान की इतनी कृपा है कि पता नहीं, जैसे बाकी मित्रों की अभी है स्थिति के कुछ कह नहीं पा रहे, बस अश्रु अश्रु याद है और कुछ कह नहीं पा रहे। हाँ जी, आपका कैसे, आपको कैसे धन्यवाद करें नहीं पता। और आपने जो आशीर्वाद दिया आत्मज्ञान का, इट वाज लाइक अब इससे आगे और क्या, इसके आगे और क्या आशीर्वाद हो सकता है बताइए, जो आपने दे दिया। जी आई वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग एंड क्राइंग, बहुत अच्छे मेरे सभी मित्रों की यही हालत है, आई कैन सी दैट। जी, थैंक ठीक है, बाकी लोग भी बोले। जी सर, सर मैं चंदन बोल रहा हूँ। हाँ तो जी, जब आपने बोला ना कि आप जैसे पीछे जैसे आए, तो बिल्कुल जैसे पीठ बिल्कुल कूल हो गई थी, ऐसे मतलब कि पूरा फील हो रहा था कि आप पीछे खड़े हैं। और बाद में जैसे थर्ड आई से पूरे सिंबल जैसे ना पूरे ऐसे आ रहे थे, थर्ड आई से पूरे अंदर तक डल रहे थे सिंबल सारे, वो पूरी ऐसे पूरी नेगेटिविटी पूरी निकल रही थी, पूरी बॉडी में ऐसे एनर्जी थी कि जैसे मतलब बयान नहीं कर सकता कि ऐसे एनर्जी थी। और ऐसे महसूस हो रहा था सांप जैसे ना कोई ऊपर उठ रहा हो, जैसे सांप जैसे एनर्जी,
साफ बन रहा था पूरा और चेस्ट की तरफ से ऊपर उठ रहा था। तो लास्ट में जैसे आपने जो लास्ट में जो गुरुजी जब आए तो उन थर्ड आई पूरी कनेक्ट हुई उनकी और यहाँ पर इतना मेरे एनर्जी होगी तो मेरे को मतलब पूरी उनकी थर्ड आई से उनकी एनर्जी मेरे को उन्होंने दी पूरी आपकी कृपा से पूरा महसूस किया मैंने। तो मतलब शब्द नहीं इसके ज्यादा है। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। And संजीव जी, जस्ट वन थिंग बोलूंगी कि जब आपने वो फायर सर्पेंट का आपने बोला कि एनर्जी दी जा रही है, वो इतना पावरफुल था कि पूरी तरह से बॉडी ऐसे जैसे शेक हो रही थी। जो आप कहते थे अब तक कि पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, सिर्फ शब्दों में हमने उसे महसूस ये किया था, बट आज उसके साक्षात सच्चे में वी कुड फील दैट एनर्जी। इट्स रियली वेरी पावरफुल। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर, क्राउन चक्र पे आज भी अभी भी एक ऐसा हेवीनेस फील हो रहा है और आप जब जब बोल रहे थे वो हर एक चीज ऐसे एक हवा के झोंके या प्रेशर ऐसा कुछ तो फील अंदर तक नीचे पैरों तक ऐसी चीजें जा रही थी आप जब बोल रहे थे। वो आपने जब वो हाथ रखे बोला तो एक हेवीनेस ईच एंड एवरी थिंग ऐसे कभी मतलब सोचा ही नहीं जैसा कुछ महसूस हो सकता है, वो एक सेकंड क्लास पर्सन में महसूस हो रहा था। भगवान आपने जब आशीर्वाद दिए हम सब लोगों ने इमेजिन किया है, लेकिन आज वो पहली बार देख के हंसे, उन्होंने हाथ हाथ में लिया, मतलब हम कोलैप्स हो गए थे सर। कुछ ऐसे कुछ ये ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कभी हो सकता है जब भगवान देख के हंसे आज हमारे सामने, तो अंदर से सब निकल गया सर। आज कुछ बता ही नहीं सकते सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपका ये आपने जो आज हमें दिया है हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे आपका सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली उन्होंने भगवान ही बना दिया, बात यहाँ तक ही पहुंचा दी उन्होंने कि सीधी सीधी आपको कहा कि बस इनको वो दे डालो जो जिससे खुद परमात्मा हो जाएं, बस इससे ज्यादा वो क्या देने को बचा फिर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रणाम संजीव जी, संदीप हियर। जैसे आप बोल रहे थे कि ब्लैक स्मोक अभी आपके अंदर से निकल रहा है, आपका बोलना और ब्लैक स्मोक निकलना दोनों एक साथ हुआ मेरे साथ। आई कुड इवन स्मेल द स्मोक, इतना आपने आज पहले आपने मुझे रिसेप्टिव बना दिया संजीव जी। आज बहुत रिसेप्टिव था मैं आज का आज के शक्ति पाठ में। एंड जैसे गौरव, हर्षा और अनेक मित्र बोल रहे कि हम देर इज नो वर्ड्स वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू यू संजीव जी। बस हम आपके एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरे, आगे चल के हम लोगों की कल्याण कर सके, खुद की कल्याण कर सके, ये हो गए तो आई होप दिस इज मोर देन अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू एंड हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे संजीव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी सर, हमेशा की तरह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार भी, और मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमेशा जब भी आप जो भी ध्यान करवाते हैं, जैसे भी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमेशा शिवालय में ही अपने आप को पाती हूँ। और अभी भी जब आप आशीर्वाद दिला रहे थे और मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन लॉर्ड शिवा ने मुझे भेजा वापस, वो एहसास मुझे हमेशा होता है और आप हमेशा वो एहसास फिर से दिलाते हैं, उसके लिए रियली रियली थैंक यू सर। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, जब रेकी माँ को आपने इनवाइट किया तो एकदम से मैंने आँख बंद कर रखा था, तो यहाँ मेरे थर्ड आई और क्राउन के बीच में से एकदम सी रोशनी आने लग गई। आंखें बंद थी, जनरली ब्लैक दिखता है हमें, लेकिन मुझे बिल्कुल वाइट दिख रहा था और यहाँ से एक एनर्जी दिख रही थी, बहुत क्लियरली दिख रही थी। वो एनर्जी एकदम से ही ऊपर से आती हुई पूरी बॉडी में, पूरा फेस वगैरह सारा वाइट हो गया था।